फिर शुरू होने जा रहा है रहस्य और रोमांच का सिलसिला। लौट कर आ रहा है काल भैरव रहस्य दूसरे सीजन के साथ, और आज यूमी और टीवी पहुंचा है काल भैरव रहस्य 2 के सेट पर। जिस शो के आने से पहले ही इतने चर्चे हो रहे हैं, उस कनकगढ़ के शाही महल का खूबसूरत नजारा आज हम खास अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं शो की लीड एक्ट्रेस अदिति गुप्ता। तो अदिति, सबसे पहले ये बताइए कि काल भैरव रहस्य 2 में आप क्या दिखाने वाली हैं? बहुत बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, एंड आई होप देखेंगे आप लोग और पसंद करेंगे। सो यस, आई एम हियर विद काल भैरव रहस्य 2। इट्स अ सीजन 2। आई थिंक आप लोगों ने सीजन 1 देखा है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये एक नया सीजन है, एक नई मिस्ट्री है, सो आई होप यू लाइक इट। काल भैरव का सीजन 2 सीजन 1 से कितना अलग होगा अदिति? सो यू नो आई इट्स लाइक सो मच इज गोइंग ऑन इन द शो एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो आपको एक बहुत ग्राफ मिलता है, कैरेक्टर को ग्राफ मिलता है करने का, बहुत कुछ करने का नया नया, तो वो आप डेली जिंदगी में नहीं कर पाते हो ना। डेली जिंदगी में तो आई थिंक आप टीवी पे भी वही करते हो, सास बहू से लड़ रहे होते हो, सास बहू की वो केमिस्ट्री होती है, किचन, ये किचन में लोग लड़ रहे होते हैं या फिर वो डाइनिंग एरिया में, यू नो आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, वो सब से बिल्कुल बियॉन्ड है ये शो। आई थिंक इट्स अबाउट अ कर्स जो कि है इस यू नो फैमिली पे, एंड मैं इस फैमिली के यू नो बेटे से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, तो उस चक्कर में मैं यहाँ आ गई हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बेसिकली यू नो फिगर आउट कि ये क्या है। सो आप लोग मेरे साथ ये फिगर आउट करेंगे कि इस शो में इस फैमिली पे क्या कर्ज है। अदिति, रहस्य और रोमांच के इस सफर में आप कौन सा रोल प्ले करने वाली हैं? यू नो शोज में जो बेसिकली एक दरवाजे पे एक आंटी होती है या फिर कोई लड़की होती है जो सारी बातें सुन रही होती है, मैं वही हूँ मैं वही करने वाली हूँ। अच्छा ऐसा है, ओ ओके, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं वो। अदिति, अब ये भी बता दीजिए कि शो में आपका लुक कैसा होगा? बहुत ही कूल लुक है, ये बिल्कुल वैसा लुक नहीं है जिसमें क्या कहते हैं ज्वेलरी और ऐसे मरमर के वो वाला बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है मेरा, मेरे कैरेक्टर के साथ एटलीस्ट। बाकी लोग बेचारे ऐसे प्रिम एंड प्रॉपर विद सो मच ज्वेलरी विद सो मच हेयर, ओहो आई एम वेरी रिलैक्स्ड। चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब जरा आपके शाही महल की सैर भी कर ली जाए। तो मैं आपको जल्दी से सेट दिखाती हूँ। आई थिंक ये है किचन, ये वैसा ही किचन है जो सारे शोज में किचन होता है। इन डब्बों में कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मिर्ची ऐसे रखी होगी, लेकिन आई थिंक वो मिर्ची भी नहीं होगी, वो आई थिंक 15 साल पुरानी मिर्ची होगी, एंड ये वही है जहाँ पर जिसको दरवाजा खोलो तो कुछ नहीं होता है अंदर, ये वही है। हाँ काफी कलरफुल है, हाँ बट इट्स नाइस। आई थिंक गैस भी नहीं जलती होगी तो मैं आपके लिए कुछ खाना भी बना सकती। लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द हॉल। ये है हमारा हॉल विद अ ह्यूज झूमर जो आपको दिखाई दे रहा है तरापे पे लगा हुआ है, और ऊपर द होल फील इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये यहाँ पर बंदूकें हैं। रिमेम्बर मैं तो जितनी बार ऐसे पुराने घरों में नहीं गई हूँ जहाँ पर ये ऐसे मिरर ऐसे ही लटका होता है कि ऐसे तलवार लटकी होती है कि कब गिरा टाइप्स, वैसे ही वाला मिरर है ये, एंड ऐसे व्हाट इज इट, बंदूक वैसी वाली बंदूक है, एंड बहुत ही पुरानी फील देने की कोशिश की गई है इस सेट पे, वेयर बिकॉज इट्स अ रॉयल फैमिली एंड बहुत ही यू नो पुराना सा, हाँ वे ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली, एंड ऑल दीज थिंग्स छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों ने एक्चुअली की हुई हैं जिसपे यू नो यू फील दैट इट्स अ रॉयल फैमिली, एंड या सो दैट्स द सेट यू गाइस कैन सी। बेहद खूबसूरत महल है कनकगढ़ का, लेकिन 150 साल पुराना एक श्राप इस महल की सारी खूबसूरती छीन लेगा। जाते जाते अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगी अदिति? मैं कहूंगी कि प्लीज वॉच दिस शो। आई थिंक मैंने डिस्क्राइब किया है ये शो क्या है, किस पे बेस्ड है, तो आई थिंक अगर आपको पसंद आता है, आपको इस जॉनर पसंद है, तो प्लीज वॉच। आई थिंक यू गोना एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग शूटिंग, सो आई होप इट कम्स आउट टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। मुंबई से शिल्पा पांडे की रिपोर्ट, E24।